हेलो बच्चों, वेलकम है आपका शिखरम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमृता खन्ना और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ फिजिक्स और मैथ्स के लिए, है ना। तो या आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ क्लास 12th मैथ्स का। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर अभी तक आपने प्रॉपर प्रिपरेशन 12th की स्टार्ट नहीं करी है तो वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी बेसिस पर फिनिश करें ताकि हमारी जो मैथ्स की तैयारी है वो ज़्यादा बेटर तरीके से कंप्लीट की जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में कितनी यूनिट CBSE ने दी हैं। तो बेसिकली देखने में तो कम लगती है, सिर्फ 6 यूनिट हैं जो CBSE हमें मैथ्स में देता है। फर्स्ट यूनिट है ना, है हमारी सेट्स एंड फंक्शन। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो, सेट्स एंड फंक्शन हमने सेट्स पढ़ा 11th में, उसी को प्रोसीड करते हुए हमारा चैप्टर यूनिट बनती है सेट्स एंड फंक्शन, जिसके अंदर दो चैप्टर आ रहे हैं, करेक्ट। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इन दोनों का एज सच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिला के उन्होंने एक यूनिट दे दी है जिसे उन्होंने बोला है कि कितने मार्क्स होल्ड करेगी एग्जाम में, ये 10 मार्क्स। अगर ये 10 मार्क्स है तो रिलेशन एंड फंक्शन से 5 मार्क्स कंसिडर होंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा को उन्होंने फिर से दो डिफरेंट चैप्टर्स में बना दिया है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल अलॉन्ग विथ है, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की अगर बात करें तो बहुत ही इजी चैप्टर हैं, है ना, बच्चों को क्विकली समझ में आ जाता है और फिर थोड़े दिन बाद वो ये भी कहते हैं इसमें करना ही क्या है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट समझ में जल्दी आती है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी एरर उसमें कैरी फॉरवर्ड होती चली जाती है और हमारा पूरा इंटायर क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हमें जब भी करना है तो एक बार परफेक्ट प्रैक्टिस करें, रिवीजन के समय पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सॉल्व करें और कैटेगरी वाइज करें, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और एरर भी रिड्यूस होती जाएगी। तो अलजेब्रा के 10 मार्क्स होल्ड कर रहा है जिसमें से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ही 5 मार्क्स को आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, सबसे बड़ा और मेजर पोर्शन आ जाता है 12th मैथ्स का जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमें एक साथ 5 चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे कनेक्शन अगर 11th से देखें तो फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस में हमने 11th में किया था डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो यहीं से शुरुआत होती है कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी समझते हैं और इसे फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर 1 में हम फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, और चैप्टर इत कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, करेक्ट। तो थोड़ा सा कनेक्शन वहाँ से भी आता है, कंटिन्यूटी है, सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड है इंटीग्रल, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंबाइनली बनाते हैं हमारे 35 मार्क्स। तो देखने में ऐसा लगता है कि अरे मेजर पोर्शन ऑफ मैथ्स तो कैलकुलस से ही आ रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो 5 चैप्टर्स भी तो आ रहे हैं। इंडिविजुअल अगर हम चैप्टर की बात करें तो हर चैप्टर को हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 7 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये सब कनेक्टेड चैप्टर्स है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर करते हो तो आपको सेकंड चैप्टर बेटर समझ में आता है, सेकंड करेंगे तो थर्ड बेटर समझ में आता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उससे कनेक्टेड हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एंड लास्ट में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो छोटी है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हम स्कोरिंग वाइज देखें तो एंड ऑफ द टाइम या ऐसा लगे कि सब कुछ नहीं कर सकते तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पिक कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द टाइम। लास्ट नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 4, वेक्टर्स। वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेक्टर इटसेल्फ और दूसरा है 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है CBSE ने 14 मार्क्स का, तो 14 मार्क्स में से वेक्टर्स को मिल जाते हैं 7 मार्क्स और 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी को भी मिल जाते हैं 7 मार्क्स। वेक्टर्स की बात करें बहुत ही इजी चैप्टर है और फिजिक्स में भी हम इसको थोड़ा पार्ट पढ़ते हुए आए हैं ना, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी वेक्टर्स आ जाते हैं, तो वेक्टर बहुत ईजीली कम्प्लीट हो जाता है। 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री भी ईजी ही है, इसे टफ नहीं कंसिडर कर सकते, हाँ लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है।
आगे चलते हैं चैप्टर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग। बड़ी ही छोटी यूनिट है और चैप्टर और यूनिट इंटायरली सेम ही है, करेक्ट। तो इसी यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो सीबीएसई में 1 or 2 एक्सरसाइजेज है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो ये यूनिट पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। 5 को हमें मार्क्स में लिखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग को वेटेज दिया है हमें कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। और देखा जाए तो अगर हम पेपर को फॉलो करें प्रीवियस ईयर, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ही क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन और कंप्लीट 5 मार्क्स का वन क्वेश्चन में पेपर कंप्लीट हो जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी, 6th एंड लास्ट यूनिट। तो प्रोबेबिलिटी नेम है, नोन है आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है बेटा, 11th में हमने पढ़ा, हमने 10th में पढ़ा, हमने 9th में पढ़ा, ऑलमोस्ट हम 8th से प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर रियल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 11th में हमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, मज़ा आता है। 12th की बात करें तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाती है ना। कुछ लोगों को प्रोबेबिलिटी टफ लगती है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी एक इजी चैप्टर है, जिसका एक बेस पॉइंट अगर हमने समझ लिया, जैसे फॉर्मूलेस कैसे डिराइव करते, बेस थ्योरम है इसमें, ठीक है। अगर उसको समझ लिया कि उसमें किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो बहुत इजी लगता है, वन स्टेप सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसे सीबीएसई ने भी वेटेज दिया है 8 मार्क्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने टोटल वेटेज डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि हमने तो शुरू के स्टार्टिंग में ये 11th को रफ मैनर में ले लिया, 12th के भी शुरुआत में सोचा अरे हाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब हो रहा है टाइम बच्चों स्मार्टली हैंडल करने का और समझने का कि अगर आप लेट हो चुके हो तो विच चैप्टर विल बी बेटर टू स्टार्ट एंड स्कोर नाइसली, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में कहूँगी, अगर मैथ्स को अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो मैथ्स के स्टार्टिंग चैप्टर शुरुआत करो आप सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सेम टू सेम कुछ पैटर्न है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस से प्रोफिशिएंसी भी आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को करना है एलजेब्रा, 10 मार्क्स हमारे कवर हो जाते हैं। कैलकुलस को थोड़ा सा स्किप करो, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड चैप्टर्स है, एक की डिपेंडेंसी दूसरे से है। दूसरी बारी आती है हमारी किसकी, हमारी आती है वेक्टर्स और 3D की। ये चैप्टर्स भी कम से कम वेक्टर्स तो इतना इजीली कंप्लीट हो जाता है कि आपको लगेगा कि ओहो मैथ्स तो बहुत ही इजी है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आता है अपना 3D ज्योमेट्री। सेकंड पार्ट अगर हम वेक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं तो हमारा 10 and 14 कितने मार्क्स हो गए, 24 मार्क्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत छोटा और इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स हम स्कोर कर लेते हैं, 24 + 5 हो जाते हैं 29। और मेरा फेवरेट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को मैं बोलूँगी इजी है, कुछ लोग इसे टफ भी बोलते हैं, लेकिन अगर साथ में बने रहे तो आप देखेंगे कितना मज़ा आता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पर 29 + 8 हो जाते हैं हमारे 37 मार्क्स। 37 मार्क्स स्कोर करना है ना, के बाद हम देखते हैं कि अब हम क्या करें। तो एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हम 35 मार्क्स बेटर हमने प्रिपेयर कर लिया है, तो अब मैं हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर कैलकुलस में भी अगर आपके पास टाइम कम है तो जो इजी चैप्टर है उन्हें तो ज़रूर से पिक करें, है ना। उसके बाद बचे हुए चैप्टर को सॉल्व करें। जैसे मेरे लिए कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी इज़ ईजियर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया अंडर कर्व आता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा छोटे मोटे फॉर्मूले लर्न करने के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्कोरिंग है ना, कवर हो चुका होता है। तो कैलकुलस में इन 3 को प्रेफरेंस दें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आप ये फील करोगे कि वाई नॉट, है ना, फुल आउट ऑफ फुल ऑन मैथ्स। तो उसके बाद बचे हुए चैप्टर को प्रेफरेंस दें, तो बहुत ईजीली आप देखेंगे मैथ्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा रिव्यू है, ये हमारा सजेशन है आप सभी को। अब टाइम है बच्चों स्टार्ट होने का, नाउ नो लेट इट बी काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया 12th का मार्क वाइज वेटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें और अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक।